सबसे पहले आप इन चिप्स का क्रिस्प सुनिए। तो सुना फ्रेंड्स आपने, ये चिप्स कितने क्रिस्पी बने हैं। ना तो हमें इनको धूप में सुखाने की ज़रूरत है, ना ही बिल्कुल भी उबालने की ज़रूरत है। झटपट से जब मर्जी हो आप इन चिप्स को बना के तैयार कर सकते हैं और 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। आज ये वीडियो देखने के बाद आप पैकेट वाले चिप्स खरीदना भूल जाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं कैसे बना। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1 किलो आलू। जब भी आप चिप्स बनाएं आलू बड़े साइज का लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, बहुत ज़्यादा छोटे साइज का नहीं लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इन आलूओं को छील लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलूओं को पहले अच्छे से धो लिया था, ठीक है, धोने के बाद ही आप छीलिएगा। छीलने के बाद इनको हम तुरंत ही पानी में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में पानी ले लिया है। तो इसी तरह से हमें सभी आलूओं को छीलना है और पानी में डालते जाना है। हमने सभी आलू छील के तैयार कर लिए हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पर अपनी सीक्रेट ट्रिक, वो ये है, आपको लेने हैं बर्फ के टुकड़े यानी कि आइस क्यूब, और इन आइस क्यूब को इस पानी में डाल देना है और इन आलूओं को कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही रख देना है ढक करके, ताकि ये जो आइस है ना ये मेल्ट हो जाए और आलू हमारे एकदम चिल्ड, एकदम ठंडे हो जाए। हमें कुल मिला के आलूओं को बिल्कुल ठंडा करना है अंदर तक। जब हम इन ठंडे आलूओं की चिप्स बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनती है। ये सीक्रेट ट्रिक है, ना तो आपको आलूओं को उबालने की ज़रूरत है, ना सुखाने की ज़रूरत है, बस ये आप ट्रिक करिएगा। आगे मैं आपको कुछ और भी बताने वाली हूँ, उसे फॉलो करिएगा, एकदम परफेक्ट बनेंगे। 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक बर्फ मेल्ट नहीं हो जाए। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और ये है मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। तो ये हमने ले लिया है 4 चुटकी के लगभग, 1/4 चम्मच से भी कम, ठीक है, इसको डाल देते हैं। नमक डालने से चिप्स हल्के सॉल्टी हो जाएंगे और सोडा डालने से चिप्स थोड़े से खस्ता बनेंगे, मतलब एकदम सख्त सख्त से नहीं लगेंगे, काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे, ठीक है। तो बस हमने नमक और सोडा ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी और अच्छे से नमक को सोडा को पानी में डिजॉल्व कर लेंगे। तो लीजिए, ये नमक का और सोडा का पानी बन करके तैयार है। तो इसका इस्तेमाल अभी हम चिप्स बनाते समय करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पूरी आइस क्यूब, जितने भी हमने बर्फ के टुकड़े डाले थे, वो डिसॉल्व हो चुके हैं, मेल्ट हो गए हैं और पानी एकदम चिल्ड है, एकदम ठंडा है। और जो आलू है ना, ये भी बहुत ठंडे हो चुके हैं। आप इस तरह से छू के देखेंगे ना, तो एकदम चिल्ड हैं, अंदर तक बिल्कुल ठंडे हैं, ठीक है। तो बस ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, इससे चिप्स काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम चिप्स को वहीं पर बनाएंगे कढ़ाई में। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी इस तरह से चिप्स काटने वाली मशीन की, ठीक है। आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते, कोशिश करिए जिससे काफ़ी पतले चिप्स निकलते हैं वही आप लीजिएगा, ठीक है। अगर ये मशीन ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, हाथों की मदद से यानी कि चाकू की मदद से चिप्स काट सकते हैं एकदम बारीक बारीक। ये देखिए, इस तरीके से आप पतले चिप्स काट के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आजकल सभी के पास ये मशीन होती है, तो हम इसी से बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है और इसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। एक चीज़ ध्यान रखिए, चिप्स के लिए हमें तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आलू है ना ये एकदम ठंडे हैं, तो यहाँ पर तेल का हाई फ्लेम पर गर्म होना ज़रूरी है। अब हम सीधे ही मशीन को लेंगे और चिप्स को तेल में ही इस तरह से निकालते जाएंगे। दो तीन सेकंड में ही आप देखेंगे चिप्स सारे ऊपर की तरफ आपको दिखने लगेंगे। अब ये जो नमक का सोडा का पानी बनाया था ना, इस पानी को 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे और जैसे ही आप पानी डालेंगे एकदम से तेजी से आवाज आएगी, क्योंकि तेल में जब पानी जाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ी आवाज आएगी, बट वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम
नमक का पानी डालते हैं ना, तो ये नमक चिप्स के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, चिप्स बढ़िया सॉल्टी हो जाते हैं, तो ऊपर से हमें नमक मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी चिप्स बनके तैयार होते हैं, एकदम खस्ता हो जाते हैं बढ़िया क्रिस्पी से। और इनको तलने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है, गैस की फ्लेम हाई करनी है, पूरे टाइम आपको हाई फ्लेम पर ही इनको बढ़िया से तलना है। और देखिए 2 मिनट में ही, मतलब 3 मिनट से भी कम का समय लगा, 1 मिनट मान लीजिए चिप्स को काटने में और 2 मिनट तलने में, 3 मिनट में हो गए हमारे चिप्स बन करके तैयार। थोड़ा सा समय लगता है तो सिर्फ आलूओं को ठंडा करने में, लगभग 10 मिनट का समय, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और लीजिए चिप्स हमारे बढ़िया से तल चुके हैं, तो फटाफट से इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इनको हम ठंडा होने देंगे, बहुत ही क्रिस्पी बने, ठंडे होने के बाद ये और भी क्रिस्पी हो जाते हैं। और फटाफट से उठाएंगे अपनी मशीन, एक आलू को निकालेंगे पानी में से और बस अपने चिप्स काटना शुरू कर देंगे। तो है ना फ्रेंड्स, चिप्स बनाना बहुत ही आसान। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे आप जरूर दबा दीजिएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है। और बस कुछ ही सेकंड में जैसे ही आप चिप्स डालें, जैसे ही ऊपर की तरफ नज़र आने लगे, फटाफट से डाल दीजिए इसमें नमक का पानी। ज़्यादा मत डालिएगा, 1 से 1.5 चम्मच ही डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा ये सॉल्टी हो जाएंगे। और बस इनको भी हाई फ्लेम पर हम बढ़िया से उलटते पलटते हुए तल लेंगे। और जैसे ये लाइट गोल्डन हो, बहुत ज़्यादा डार्क मत करिएगा, जैसे ये लाइट गोल्डन हो इनको हम फटाफट से निकाल लेंगे। ये देखिए कितने परफेक्ट चिप्स बनके तैयार हो रहे हैं। तो थोड़े से अगर आप मार्केट से चिप्स खरीदते हैं, पैकेट 5-5, 10-10 रुपए के आते हैं, लेकिन उनमें 4-5 ही चिप्स निकलते हैं, मतलब एक आलू के भी चिप्स नहीं निकलते हैं और 10-10 रुपए हमारे बच्चे बर्बाद करके आ जाते हैं। तो इन चिप्स को आप घर पर बना लीजिए और आराम से महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने सभी आलू की चिप्स बना करके तैयार कर ली हैं और ये रहा हमारा आखिरी बैच। देखिए कितनी सारी चिप्स हमारी घर पे बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इनको होने देंगे पूरी तरीके से ठंडा। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी। तो देखिए बनी है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल, जो बच्चे पैकेट वाली लेके आते हैं ना, वही चिप्स है ना ये, झटपट से बना लिया है, ना तो उबालना ना धूप में सुखाना, जब मर्जी हो आप इनको बना सकते हैं। आप इकट्ठे बना करके स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, महीनों तक चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे, खराब नहीं होने वाले। तो चलिए इनका आपको क्रिस्प सुनवाती हूँ कितने क्रिस्पी बने। तो देखा फ्रेंड्स आपने, एक एक चिप्स कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके तलने के बाद सॉफ्ट पड़ जाए, बिल्कुल सीक्रेट ट्रिक के साथ मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी है। अब यहाँ पर आपके पास एक चॉइस और है, अगर आप इसको मसाला चिप्स बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं। सॉल्ट मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अक्सर हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, ऊपर से सॉल्ट डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नमक का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अब आप इसमें कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पुदीने का पाउडर, ठीक है। आपको जो पसंद हो, भुने जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर या कोई स्पेशल मसाला रखा हो आपके पास, आप वो यहाँ पर डाल सकते हो, फ्लेवर दे सकते हो। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी कर दिया है और थोड़ा सा मिंट का फ्लेवर दे दिया है। अब चलिए, 2 तरह के हमारे चिप्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। एक तो हो गए हमारे प्लेन चिप्स, अक्सर जिनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, जैसे मेरी तन्वी है तो वो प्लेन चिप्स खाती है, उसमें तीखापन उसको नहीं चाहिए, तो जैसी आपकी चॉइस है आप खा सकते हो। अक्सर बच्चे पैकेट वाले खाते हैं, 5 रुपए में थोड़ी सी चिप्स आती है, लेकिन इस तरीके से घर पर आप ढेर सारी चिप्स बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये प्लेन चिप्स हो गई, ये हमने थोड़ा सा इसमें मिर्च डाल दी, आप जो भी फ्लेवर पसंद करें डाल सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।